ओवरटेक करने के चक्कर में इसे सीधा यहाँ से पूरा मार दिया था। हेलो गाइस, मैं हूँ यश अग्रवाल। तो जैसे कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, हाँ मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत बुरा हाल है गाड़ी का। तो इसका जो ये जो बम्पर है ये अंदर घुस गया है, साथ ही साथ यहाँ से निकल चुका है, ये वाला पार्ट पूरा अंदर जा चुका है, पीछे से पूरा ये टेढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी अंदर चल गया है, ये भी पूरा स्क्रैचेस ये सब लग गया है, टायर में पूरे स्क्रैचेस आ चुके हैं, अलॉय में भी, साथ ही साथ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये तो पहले से लगा हुआ था, यहाँ पे स्क्रैचेस है, यहाँ पे पूरा डेंट आया हुआ है, ठीक है। आगे अंदर ऊपर नीचे हर जगह से गाड़ी पूरी गंदी हुई हुई है, ठीक है। और उस दिन जो आप में पहले वाली एक वीडियो देखे होंगे 15 सेकंड को, उस दिन जो लगा था वो मेरे यहाँ पे लगा था और यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये कैसे हुआ उसका बात करें तो जब ये ऐसे हुआ कि हम लोग गाड़ी लेके निकल रहे थे तो एक ट्रक वाले ने ओवरटेक करने के चक्कर में इसे सीधा यहाँ से पूरा मार दिया था, पूरा यहाँ पे घुसा दिया था ट्रक ने। तो ये पूरा ऐसा उस कारण हो गया था। तो अब हम जो है इसे क्लेम में देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे लैम्बोर्ट का हमारा इंश्योरेंस है, तो अभी हम इसे बढ़िया हुंडई में देने जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपका गाड़ी में जितना सामान है आप निकाल लीजिए, और आपका जो गाड़ी का बॉडी कवर होता है वो आप ले लीजिए, ये जो बॉडी कवर होता है। क्योंकि आप ये लेने का क्या वजह है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो गाड़ी है आपको वो लोग कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे, और आपका बहुत टाइम लगने वाला है गाड़ी ठीक होने में, पार्ट्स अरेंज करने में। तो उन लोग आपकी गाड़ी को बॉडी कवर करके रख देंगे अगर आप कवर देंगे उन्हें। और दूसरा सब आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपके गाड़ी में जितना सामान है जितने एक्सेसरीज है सब निकाल लीजिए, पूरी गाड़ी खाली कर दीजिए आप, ठीक है। और उसमें आप बस अपने फिर आप जाइए गाड़ी को लेके, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है तो आप वो कैरी कर सकते हैं, बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ये तीन चार टू डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। फिर गाड़ी का आपको RC, टैक्स, और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस होता है वो, ये तीन डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा, और गाड़ी आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। तो ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से वो आपको गाड़ी क्लेम प्रोसीजर में ढाल देंगे। उसके बाद आपका कोई काम नहीं रहेगा, आपको बस अप टू डेट्स मिलते रहेंगे, और आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्या होता है। तो फिर भी हम चलिए देखेंगे कि कैसे क्या होता है, इसमें कितना खर्चा आता है हमारा इंश्योरेंस में जाने के बाद। और यहाँ पे भी डेंट आया हुआ है, ऐसे काफ़ी जगह मेरे गाड़ी में डेंट आया हुआ है, देखते हैं खासे क्या क्लेम होता है। ऐसे मेरा गेट वेट डिक्की विक्की तो अच्छा से खुल रहा है, बस इस डिक्की में थोड़ा सा दिक्कत सा हो रहा है। तो चलिए जाते हैं बढ़िया हुंडई, फिर मिलते हैं आपसे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम जो माइलेज टेस्ट करने वाले थे वो एक बार हमें कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी अगर उधर जाएगी तो उन लोग बाई चांस अगर पेट्रोल वेट्रोल निकाल लेते तो एक एक्यूरेट हमें वो मिल नहीं पाएगा। तो हम वापस उसे फुल करवा के इसे फिल कर लेंगे। तो गाइस, उस दिन तो मैंने गाड़ी दे दी थी उधर, और हमारा क्लेम भी प्रोसीजर हो गया है, हमें सिर्फ राइट साइड और पीछे साइड का क्लेम मिलेगा। तो यही था आज का व्लॉग। में अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कितना खर्चा आया और कितना टाइम लगा और क्या क्या प्रोसीजर था, वो सब हम एक अलग व्लॉग में बनाएंगे जब गाड़ी आ जाएगी, और उसके बाद माइलेज टेस्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।